मुद्दे की बात अज असी चर्चा कर रहे हैं सूबे की माली हालत की। माली हालत किहो जी है यह जानना बहुत जरूरी है तो समझना भी, क्योंकि दावियां ते वादियां दे विचाले नवी सरकार लई चुनौती किहो जी होएगी उस उत्ते असी चर्चा कर रहे हैं। तो सवाल जो असी अपने दर्शकों को पूछ रहे हैं, दर्शकों तो साडा अज दा सवाल है कि पंजाब की नवी सरकार के लिए सूबे की आर्थिक स्थिति लीहां ते लियाउणा वड्डी चुनौती होवेगी जो हुण लथी हुई नजर आ रही है लीहां तो। इस ते तुसीं अपनी राय दे सकदे हो, नाल ही सानूं कॉल भी कर सकदे हो। पहले कॉलर साडे नाल जुड़ चुके ने हरपाल सिंह जी ने हरी के पत्तण तो। हरपाल जी स्वागत है तुहाडा, की कहना चाहो? जी सर अं कहना चाहते हैं कि जे कहते रहेंगे श्रोमणी अकाली दल वाले कि अं 4 लैन बनाई 6 लैन बनाई है ना, कि बनाई आ अजे रोड लैन तो बनती नहीं तो पर्ची पहला चालू हो जाती है। ठीक है, तुसी कह रहे टोल लगा दिता जाता है अमृतसर तो बठिंडा रोड बन रहा वा, इतना टोल टैक्स चालू कर भी दिता बनना। ठीक है, शुक्रिया सर साडे नाल जुड़न लई। एक होर कॉलर ने साडे नाल फतेहगढ़ साहब तो कुलविंदर जी, कुलविंदर जी स्वागत है तुहाडा, की कहना चाहोगे? नमस्कार जी। हेलो तुहाडी आवाज मेरे तक पहुंच रही है? हाँ जी हाँ जी, आप स्थिति बात कर रहे अकाली पार्टी का गल? हाँ जी, ये तो पहले कर रहे तुहानू दस ही दिता भी किन्ने टोल टैक्स लगे ने पंजाब दे विच, जिहड़े जिन्ने भी बन गए साडा विरोध तो असीं तुहानू कर गए 2 टोल टैक्स आउंदे ने। चलो शुक्रिया सर साडे नाल जुड़न दे लई। तुसी जिहड़े अपने इलाके दी सड़क बारे दस रहे हो कि उत्थे हालत वधिया ने, नाल ही टोल दा भी जिक्र कीता साडे कॉलर्स ने। जेकर तुहाडी कॉल नहीं लगी तां SMS दे जरिए भी तुसी अपनी राय सानूं भेज सकदे हो, नंबर लगातार असीं तुहाडी टीवी स्क्रीन ते फ्लैश कर रहे हां। अगे वधदे हां ते एक बार फिर तो हुण असीं चर्चा दी शुरुआत करांगे साडे नाल हमीर सिंह जी ने, सीनियर जर्नलिस्ट ने। हमीर सिंह जी, पैमाना की होवे जो फाइनैंशियल क्राइसिस का असं जिक्र कर रहे हैं कि इस समय हालात बहुत ज़्यादा वधिया नहीं, पंजाब दे कर्जा बहुत है, किसानों सिर कर्जा बहुत है, हाकम धिर दा तर्क है कि फाइनैंशियल क्राइसिस नज़र कितने आया तुहानूं, तुसीं उह दसो। विकास के काम जारी ने, तनखाहां दित्तियां जा रही हैं ते होर भी बहुत सारिया चीज़ां गिणवाईआं उन्होंने। वैसे तो पैमाना यह है कि जो डिबेट करने वाले लोग ने, जिमें हलवाई सारा चौलों का कड़ाहा खा के नहीं दसदा, वो एक चौल चकदा पता लग जाता कि वह बन गए या नहीं बन गए। उसका मतलब यह है कि जेडे सूबे 250 रुपए पेंशन मिलती हो, 9.5 साल 250 रुपए हो गए, तो लास्ट साल 500 रुपए हो गए तो वह भी ना मिले, 250 भी ना मिले रेगूलर, तो जिदे डेडीकेटड फंड क्रिएट किया हो, डेडीकेटड फंड उस जाना हों, डवर्जन नहीं हो सकती, तो एदू ज़्यादा होर की मैथड होएगा। जेड़े च फार्मर ते खेत मजदूर सुइसाइड कर रहा होवे, जिथे अनइंप्लायमेंट का जिहड़ा लैवल है पूरे कंट्री दे विच 1,35,000 जॉब क्रिएट हो रही है, लेबर डिपार्टमेंट ये कह रहा, तो पंजाब दे विच उस लैवल की जॉब जिहड़े सारे मानते हैं कि जिहड़ी इंडस्ट्री है वह वक् वक् कारणा करके प्लान कर गई है, रुजगार जनरेट नहीं हो रहे उस पद्धर के उत्ते, लोगों नू रोजी रोटी चाहिए रुजगार वास्ते, गवर्नमेंट नू समझ नहीं आ रहा, पहला उन्हें कई साल इस लंघाए, उम्र 60 साल कर दीए ना कर दीए, तो अगलिया बंद रखिए ना कर दिए, पंजाबी यूनिवर्सिटी लगातार चल रहा 52 करोड़ रुपया नहीं दिता जा रहा, तो सैलरी नहीं मिल रही, और सारे दे अजे भी वाइस चांसलर के दफ्तर के सामने धरने चल रहे हैं, और सारिया यूनिवर्सिटियां ये कह दिता गया एक भी रेगूलर स्टाफ नहीं है पंजाब के बहुत सारे कॉलेजों के, कितने कल्ला प्रिंसीपल है कदे इंचार्ज है, केवल 15% रेगूलर स्टाफ से पंजाब की हायर एजुकेशन के कॉलेज वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जे तुसे जे तुहाडे कोल हायर एजुकेशन का सेटअप ये है जी, ता तुहानू सामने दिखाई दिंदा कि साडी स्थिति। सतिंदर गिल जी जवाब दोंगे, मैं लाली मजीठिया कोल जी कोल फिर जाऊंगा, पर कबूतर अखां मीचले बिल्ली उहदा मास नहीं छड्दी, इहदे नाल पंजाब दा सेटअप इस तरीके नाल चलना नहीं। जिहड़ी डिवेलपमेंट की गल की है, वह एक कॉलर ने भी कहा कि टोल जदों जेबा खाली करेगा वह प्राइवेटाइजेशन है, सरकार का उच्च की कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, थर्मल जिहड़े लगाए गए ने अपने थर्मल बंद ने 2300 करोड़ रुपया बिजली बिना खरीदे भी देना पै रहा है। ठीक है, MOU इस लेवल ते साइन होए हुए ने। सतिंदर गिल जी, जेकर खजाना है, खजाना भरिया है, तो फिर खाली ओहदे क्यों पए ने, क्यों नौकरियां नहीं दित्तियां गईयां? हायर स्टडीज दा हाल पंजाबी यूनिवर्सिटी दा जिक्र करता, होर बहुत सारे अजिहियां थावां ने जिथे जिहड़ियां असामियां खाली पईयां ने, चाहे असीं गल एजुकेशन दी कर लईए जां होर डिपार्टमेंट्स दी कर लईए। मैं स्टेप बाय स्टेप चलदा जी, जिहड़ी टोल बारे मेरे कॉलर वीर ने गल की सी भी टोल ला दिता, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर सिस्टम होंदा है
ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, BOT ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕੈਸ਼, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਾਸਿਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ BOT ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਦ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਿਸਟਮ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, 2.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤਾ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 63 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਦਾ ਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਜੌਬ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਘੜੁੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਇੱਕ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਪੋਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2,24,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? 4.5 ਲੱਖ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਪੋਸਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਕੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4.5 ਲੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 3.5 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 4.5 ਲੱਖ ਮਾਲੀ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਮਾਂ ਡਿਵੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਰ ਕਰੋਪ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕੁਛ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਲਥ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਓਵਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ 200 ਕਰੋੜ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 10-20 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ 80% ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਜਾਂ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਨੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
कि जो पिछले समय के जिहड़ा जिथों तक सवाल आ ये जिहड़ियां गवर्नमेंट गरंटी स्टैंड कर सकते जिवें इन्हां दे टोटल रेवन्यू आलमोस्ट 33-32 हज़ार रुपया आ उहदा 80% गवर्नमेंट गरंटी स्टैंड कर सकते उन्हां ने ऑलरेडी एग्जॉस्ट की है। लोगों की राय आ तुसीं खुद सुन ली, ਘੱਗਾ साहब एक प्रेस के आदमी ने उन्होंने भी सुन ली, ये हाल ही भी मेरे वीर जिहड़े आ मिसलीड करी जा रहे ने भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल वाले, मैं इन्होंने कहना चाहना कि BOT या BOO ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟਰੀ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਸ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਆ और उन्हें जिस तरह कहना जी क्यों जिथे प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगी वो बारे तो कोई गल करनी, मैं समझना वह कोई माना ही नहीं है। और अज तक मैं याद करवाना चाहवागा भारद्वाज साहब ने भी उस वे डिप्टी चेयरमैन प्लैनिंग कमीशन से, अज तक जो किसी गवर्नमेंट ने फिसकल मैनेजमेंट बिल लिया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट ने लिया, भारद्वाज साहब भी उदो उस गवर्नमेंट का पार्ट से। सो यह गल कहनी कि जी ओपोजिशन है जी वो गैर जिम्मेवार है, मैं इन्हों की गल ना सहमत नहीं। और जितों तक सवाल सतेंद्र गिल उन्होंने कहा जी कि हरियाणा के नाल अनइक्वल कंपैरिजन करन दे नाल मसले हल नहीं हो जाते, जिहड़ा लिखिया वॉल ते नजर आ रहा कि इस गवर्नमेंट ने तमाशा बना के रखता, 600 संगत दर्शन लंबी दे विच 10 साल च साहिब प्रकाश सिंह बादल ने किते, 261 करोड़ रुपया जिहड़ा उत्थे अपने सरपंचां नूं लुट खसुट करन लई वरत्या, यह सिर्फ एक थां नहीं सारे पंजाब दा, मैं सिर्फ उन्हां दे हलके दी तुहानूं डेटा दिता। और जनवरी 2013 तो लैके नवंबर 2016 तक बठिंडा पार्लीमेंट जिन्हों बीबी हरसिमरत कौर रिप्रजेंट कर रहे ने 1,01,250 जिहड़े कार्ड ने उन्हां दे गलत राशन जांदा रहा, 32,000 करोड़ का स्कैंडल इन्हां कीता जिहदे चों हुण 31,000 नूं इन्हां लॉन्ग टर्म लोन जिहड़ा उहनूं करवाई जा रहे ने। सो मैनूं नहीं समझ आउंदी कि इह कह रहे ने कि बजट बहुत वधिया, बजट दे विच 50,000 करोड़ रुपया सानूं सालाना साडा खर्चा टोटल पा के आ बड़ी चंगी तरह समझ आई है कि बड़ी बुरी तरह जिहड़ी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इस सरकार ने की और लोगों दी प्रॉपर्टीज जिहड़ियां पब्लिक सैक्टर प्रॉपर्टीज जोशी साहब बहुत सारे मुद्दे ने उस इंडस्ट्री का मुद्दा लगाया जाए इंडस्ट्री चाहे गोबिंदगढ़ की होगी गोबिंदगढ़ लुधियाना की हौजरी इंडस्ट्री की गल करिए असी जलंधर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की गल करिए पलायन यानी हिजरत बहुत होया पंजाब तो कि पंजाब की माली हालत इन्नी मजबूत नहीं सी, असी सड़कों पर ही फोकस करते रह गए कि असी उस इंडस्ट्री नूं रोकीए उन्होंने कोई ग्रांट दईए डिबेट दी रिबेट दईए किसी तरीके हैल्प करिए उन्होंने कि वह पंजाब तो बाहर ना जाण, वड्डे पद्धर उत्ते पलायन होया पंजाब तो इंडस्ट्री का। गौरव जी ये कहना तो शायद गलत होएगा कि वड्डे पद्धर ते इंडस्ट्री दा पलायन होया, नहीं सर मंडी गोबिंदगढ़ जाके देखो ना तुसी, पिछली बार भी शायद 2-3 दिन पहले तुहाडे मैनू गल कह लैण दो, मैं बड़े पेशेंसली गल सुन रहा, लेट मी फिनिश माय, एक कहना गलत होएगा कि पलायन किया है। हुण चलो मंडी गोबिंदगढ़ की गल करदे हो, तुसी सरिया की गल करोगे, लोहा इंडस्ट्री की गल करोगे, अज जिथे आयरन ओर मिलता है उत्थे जिहड़े प्रोडक्ट फैक्ट्रीज ला के प्रोडक्ट दे रही हैं वो इत्थे कंपीटिटिव हो ही नहीं पा रहे रेट्स उन्हां दे, ठीक है हुंदा की है मैं दसां, पहले बहुत पहले न्यूज़पेपर चलते सीगे, न्यूज़पेपर तो बाद TV आया, TV तो बाद प्राइवेट चैनल्स आए और बिच रेडियो गायब हो गया, हुण FM वापस आ गया, हुण डिजिटल मीडिया आ गया, तो जिहड़े पुराने पुराने बिजनेस अदारे ने वो क्लोज़ हो रहे हैं नए खुल रहे हैं, तो यह कहना गलत है कि पलायन हो रहा है, एक गल नूं समझण दी जरूरत है, पुराने बिजनेस ओल्ड बिजनेस मॉडल्स ने नए बिजनेस नए प्रोडक्ट्स नाल आ रहे ने, पंजाब दे इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक कहना गलत है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जा रही है, पर जोशी साहब तुसी तुसी खुद एग्जांपल दे रहे हो कि पुराने बंद होए नवे खुले, देखो जे मैं एक शहर दा ही जिक्र कर लवां मंडी गोबिंदगढ़ दा ही, जेड़े पुराने बंद होए उस तो बाद नवे किथे खुले, गौरव जी मैं की एग्जांपल दे रहा हां, नवे हिमाचल दे बद्दी च, गौरव जी मैं की एग्जांपल दे रहा हां, मेरी ट्राई टू
चलो मंडी गोविंदगढ़ की गल कर लें गौरव जी, मंडी गोविंदगढ़ की गल कर लें। मंडी गोविंदगढ़ तुम मैं कल एग्जाम्पल आयरन ओर कितने मिलता है जी, जिसे आयरन ओर मिलता है उत्थे जिहड़ा रॉ मटीरियल हैड ते जे प्रोजेक्ट लगे वह सस्ता समान प्रोवाइड करेगा या तो ट्रांसपोर्टेशन इत्थे आके इत्थों प्रोवाइड करेगा गौरव जी। एक दूसरा जिहड़ा तुसीं हिमाचल का एग्जाम्पल दे रहे हो गौरव जी, वह हिमाचल के अंदर स्पैशल पैकेज करके इंडस्ट्रीज नूं कंसैशन सीगा, वह तो सारे गए, वह दिल्ली तो भी इंडस्ट्रीज तो अपलाइन करके आई हैं, कल पंजाब छुड़ी गई हैं जी। वह तो एक बिजनेस मॉडल है, जे मैनूं टैक्स रिबेट मिलता है ओवरऑल मेरा इनक्रोस प्रॉफिट इनक्रीज होंदा है तो मैं क्यों ना शिफ्ट करा, उस कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी है, तो सेंटर गवर्नमेंट की पॉलिसी से स्पैशल पैकेज करके असी तो खामियाजा भुगतिया पंजाब ने। वो नहीं, वो गौरव जी वो गल उससे ना जोड़ो, मैं ओवरऑल गल कहना चाह रहा, तुम गल तैनात द्वारा समझो कि ये एवर ग्रोइंग है, बिजनेस आते हैं, नए नए बिजनेस आते हैं, लोग नए बिजनेस ऑप्ट करते हैं, जो पुराने बिजनेस बंद होंगे ने इसलिए होंगे कि उनकी प्रोडक्ट की वायबिलिटी मार्केट नहीं रहती, उसका मार्केट कोई खरीदने वाला नहीं रहता, इस करके नहीं बंद होंगे कि सरकार की पॉलिसीज गलत ने, इस करके नहीं बंद होंगे, एक गल समझने की जरूरत है। सो इस गल उस तरह ना करो, ओवरऑल पंजाब का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओवरऑल पंजाब का जो टैक्स है जो रेवन्यू है वह बढ़ रहा है, वो इंडस्ट्री तो ही आता कितों होरों नहीं आता जी। ठीक है, इन गलों आप देखो आम बंद जो गल समझानी हो तो बड़े लेमैन उन्होंने समझानी चाहिए है, तो मैं उसी पद्धर से आके एक गल समझा की कोशिश की है। एक गौरव जी एक जी डिबेट लई है ना जरा तुम कह रहे हो नैक्सट गवर्नमेंट वास्ते चैलेंज है, लाली जी भी अपनी गल रखना चाह रहे हैं, गिल साहब भी रखना चाह रहे हैं, हमीर जी अपने सामने रखे, पर मैं एक गल कह रही हूँ यह चैलेंज जरा है कोई कल पंजाब गवर्नमेंट का नहीं है, यह चैलेंज नैशनली है, यह नैशनली चैलेंज है, यह इंटरनेशनल चैलेंज भी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स भी चैलेंज नूं फेस कर रही हैं। ठीक है, लेकिन वो सरकार कामयाब होंदी है। अपने को समय बहुत कट है जोशी साहब, पर मैं सब सहमत हूं बैलेंस स्ट्राइक जोशी जी नाल, जो इंडस्ट्री नूं लेके आई दी स्टेटमेंट है, डेट रेट डेट गौरव जी कट है आगे अपना काम चला रहे हैं। ठीक है, मैं इन्हां नूं बार बार ये कहते हैं कि असी ये किता, मैं इन्हों पूछना चाहता कि आज पंजाब का ग्रोथ रेट 5.6% है, विकास दर जिड़ी कि ऑल इंडिया तो 6.9 तो घट है, जे विकास होया है पैसे खर्च होए तो विकास दर भी ऊंचा होना चाहिए है। दूसरी गल फी व्यक्ति आमदनी जड़ी है बहुत व्डा पैरामीटर होंदा है, अज असी हिमाचल हरियाणा और 6-7 बाकी स्टेट हो रहे उन्हां तो भी थल्ले चले गए हैं, और रिजर्व बैंक की रिपोर्ट यह है कि हाल जे यही रही तो 2025 तक पंजाब सब तो थल्ले आ जाऊगा। मैं ये चीज़ कहना चाहता कि बजाय इसके कि तुसी अपनी डींगे मारो कि असी ये किता, आराम नाल शांति नाल बैठ के इस चीज़ नू तस्लीम करो कि आज पंजाब की आर्थिक हालत माड़ी है। ठीक है, कारण देखो की कारण है, किस करके होया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, फिर उसका एक रोड मैप बना के विजन बनाओ। पारवा साहब अपने समय बहुत कट है, लेकिन मजीठिया साहब तुसी कुछ कहना चाह रहे हो 20 सेकंड्स ने मेरे को, तुसी इना पार्टियां तो की एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं इसे की एक्सपेक्ट कर, मजीठिया साहब 20 सेकंड्स है प्लीज कंप्लीट कर दो 20 सेकंड्स, इन्होंने और खराब कर देना हालात नु। जी जी जी, मैं एक गल कहनी चाहना जी, मैं कहना चाहना कि जोशी साहब ने कहा जी कि कुछ नहीं होया, 22,000 इंडस्ट्रियल यूनिट या बंद होया, शिफ्ट होया, और जिस वेले शिफ्ट होया, जिस वेले नालियां स्टेट्स नु सारे सोच मिले, उस वेले सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, जस्ट अ मिनट, सुन लो लाली साहब किन्नी इंडस्ट्री बादल है, उस वेले इंडस्ट्री मिनिस्टर सीगे यूनियन गवर्नमेंट दे, वाजपेयी साहब उस वेले प्राइम मिनिस्टर सीगे, और ये सरकार ने अच्छे साडे तों समय खत्म हो चलिया, हमीर जी एक लास्ट स्टेटमेंट मैं थोड़ी जरूर चाहूंगा, जोशी साहब मजीठिया जी प्लीज होल्ड कर लो, समय खत्म है अपने को, इन्होंने बंद होई हमीर सिंह जी पॉसिबल नजर आंदा है, 25 लाख नौकरियां दा भी दावा है, किसानों दे कर्ज माफी दा भी दावा है, नवी सरकार बनेगी ये पॉसिबल होएगा पूरे 5 साल, मैं नहीं कह रहा पहले 6 महीने या सुखबीर सिंह बादल उस वेले डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर, हमीर जी मेरी आवाज जेकर तुहाडे तक पहुंच गई सीगा जदों हिमाचल नूं जम्मू कश्मीर नूं सौंप मिले, किन्ने नए वाजपेयी साहब दी गवर्नमेंट सीगी, प्लीज मजीठिया साहब बंद हो गया, मजीठिया साहब जोशी साहब इन्होंने कीता कुछ नहीं, यही तो साडी यही साडी प्रॉब्लम है, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अपने को समय बहुत घट है, इस तरह ना किसी नूं कुछ नहीं समझ आ रहा होएगा, सच दसना नेगेटिविटी नहीं हुंदी, एक दूजे नूं सच दसना नेगेटिविटी नहीं हुंदी, जोशी साहब ठीक है, मजीठिया जी जोशी साहब प्लीज, तुसी ना तुसी हरियाणा पंजाब तो चर्चा समझ आएगी, मुश्किल नजर आंदा है।
पर माली हालत पंजाब की इस डिबेट चो भी खुल के चीज सामने आई है कि कर्ज पंजाब के उपर बहुत है, नवी सरकार के सामने बहुत वड्डी चुनौती होएगी। दर्शकों को एक चीज मैं बहुत क्लीयरली जरूर इस डिबेट तो बाद कहना चाहवाँगा कि जो भी दावे जिस भी पार्टी के वालों किए गए ने तुसी ये ना सोचियो कि पहले 6 महीने च कंप्लीट हो जाएंगे, पर यह उम्मीद जरूर रखियो कि अगले 5 साल च भी कंप्लीट हो जाए तो बहुत राहत की गल होएगी, चाहे कर्ज माफी की गल हो या फिर जेडे दूजे दावे या वादे वक्त सियासी पार्टियों के वालों किए गए हैं। पर कि पार्टी होएगी जो चुनौतियों का सामना करेगी 11 मार्च में साफ होएगा। इस विचाले जिक्र उस सवाल का भी जो असं अपने दर्शकों को पूछा, असं अपने दर्शकों को सवाल पूछा कि पंजाब की नवी सरकार के लिए सूबे की आर्थिक स्थिति लीहां ते लियाउणा वड्डी चुनौती होएगी, जो राय थोड़ी साढ़े तक पहुंची है वह भी थोड़ी टीवी स्क्रीन पर। अज का जवाब 93% लगता कि हाँ वड्डी चुनौती होएगी, 7% जिहा नहीं लगता।